नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में एक दिन में 1,00,000 लोगों को कोरोना टीका। जिले में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने का महाअभियान गुरुवार को आयोजित हुआ। महाअभियान को लेकर सभी टीकाकरण केंद्रों में उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में सभी केंद्रों में कोरोना टीका लगवाने भीड़ लगी रही। जिले में एक साथ एक दिन में 1,00,000 लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए 562 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल यूनिटों के माध्यम से भी लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान में जागरूकता लाने के लिए सभी गांव में बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई। जिला प्रशासन ने 1 जनवरी तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का 100% कोविड टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टीकाकरण के इस महाअभियान में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के 3,500 से अधिक अधिकारी कर्मचारी सहभागी बने। जिले में पहले और दूसरे कोविड वैक्सीन डोज से छूट गए 100% लोगों का अगले 45 दिनों में वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। 18 नवंबर के महाअभियान में 636 वैक्सीनेटर ने लोगों को टीका लगाए। कलेक्टर रानू साहू ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। फायदा तो ये कि अपने आप को सेव करना है इस कोविड के बचाव से, ठीक है, और आगे चल के फ्यूचर में ये बीमारी ना हो, इसलिए हम ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोगों से अपील यही है कि जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन करवा ले जल्दी से जल्दी। कोरोना का टीका लगाइए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। कोरोना का टीका लगाइए और अपने आप को सुरक्षित। कोरोना का टीका लगाइए और अपने आप को बचाइए और देश को सुरक्षित कीजिए। कोरोना का टीका लगाइए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए और होने वाले संक्रमण से बचिए। जिला प्रशासन द्वारा जो एक हफ्ता पहले हम लोग को निर्देश दिए गए थे कि आज अभियान चलेगा महाअभियान, इसके तहत हम लोग घर घर जाके वार्ड से पब्लिक लोगों को जागरूक किए हैं और आज घर घर जाके पब्लिक लोगों को निकाले जा रहे हैं। और पब्लिक खुद इच्छुक है कि वैक्सीन लगाए और बीमारी से बचे, क्योंकि 2 साल से सभी देखे हैं कि कितना बुरा हाल था रोजी रोटी कमाने के लिए, और कई लोग जान गंवा चुके हैं। उन लोग की स्थिति देख के खुद उन लोग आ रहे हैं और वैक्सीन का लाभ ले रहे हैं। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 32 में 4 जगह सेंटर बनाए गए हैं, चारों सेंटर में वैक्सीन पहुंच गया जिला प्रशासन द्वारा, और आयुक्त महोदय हर बूथ में जा रहे हैं। 1,00,000 का लक्ष्य रखा गया है और लोग का उत्साह है क्योंकि पहले से जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अपने जान कोई गंवाना नहीं चाहते और सब देखे अपने स्थिति को, इस कारण सब पब्लिक जागरूक है। आज जैसा कि 18 तारीख को वैक्सीनेशन का जिला प्रशासन की ओर से जो मतलब महाअभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें सभी को वैक्सीन लग जाए इस जिला प्रशासन का प्रयास था, तो आज सबको वैक्सीन लगाने आए हैं। आज पहले वैक्सीन का जो शॉर्टेज था, आज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो सभी को लग जाएगा आज वैक्सीन। हाँ, बीमारी के लिए फायदेमंद तो बहुत ही जरूरी है, सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। मुझे कई थ्रू के माध्यम से पता चला था, नारे के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, इन लोग हॉस्पिटल के माध्यम से कि आज महाअभियान चलाया जा रहा है, और उसके थ्रू मैं अपना सेकंड डोज लगवाने के लिए आई थी। अब इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए हम अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। आम लोगों से मेरा यही है कि अधिक से अधिक संख्या में जितने डोज आए हैं उनका उपयोग हो और सभी इस रोग से मुक्ति मिले सभी को, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा प्रयास है सर, जितने छूटे हुए थे इस महाअभियान के थ्रू उनको पता चल गया है, और जितने छूटे हुए जो मेंबर थे उनको लग रहा है, और अधिक से अधिक मतलब इसमें ये के माध्यम से, महाअभियान के माध्यम से उनको बताया गया है कि आज वैक्सीनेशन होना है, उसके थ्रू सभी लगवा रहे हैं और सभी अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार राजेश के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहर में आतिशबाजी कर मनाया जाएगा उत्साह। प्रकाश पर्व के पहले नगर कीर्तन में शामिल हुए सिख समाज के लोग धन धन गुरु नानक देव जी का 552वां जन्म दिवस प्रकाश पर्व के रूप में सिख समुदाय मना रहा है। 19 नवंबर को सुबह से देर रात तक टीपी नगर गुरुद्वारा में सबद कीर्तन, गुरुवाणी, गुरु का अटूट लंगर, रात में आतिशबाजी कर उत्साह मनाया जाएगा। इससे पहले नगर कीर्तन निकाला गया। पुरानी बस्ती कोरबा स्थित गुरुद्वारा में ग्रंथ साहिब का पूजा अर्चना कर दोपहर 3 बजे गुरु नानक देव की शोभा यात्रा रवाना हुई, जो इतवारी बाजार, पुराना बस स्टैंड, पवन टॉकीज, रेलवे क्रॉसिंग, पावर हाउस रोड, सोनालिया चौक होते हुए टीपी नगर चौक पहुंची। इस बीच नगर कीर्तन में शामिल लोगों की सेवा में जगह जगह स्टॉल लगाए गए थे। पावर हाउस रोड में सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी।
वहां से शोभा यात्रा टीपी नगर गुरुद्वारा के लिए रवाना हुई। ये गुरु नानक देव जी को 552 वर्ष हो गए हैं उनके प्रकाश हुए को, जिनको बोलते हैं जन्म हुए को, और उन्होंने इस मनुष्यता को उच्च कोटि का ज्ञान दिया है और एक वाणी दी है जो सर्वसांगी वाणी है, जो उस वाणी से हर प्राणी का कल्याण होता है। गुरु नानक देव जी ने किसी जाति धर्म किसी विशेषता की नहीं है, सबना जिया का एक दाता सो में विसरना जाई। जिस भी जीव में एहसास चल रहा है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, उत्पज हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोविड के कारण हुए ब्रेन स्ट्रोक से हुआ लकवा, अब टीका लगवा दे रहे बचाव का संदेश। टीपी नगर के अमृत पटेल बने मिसाल। कोरबा शहर के टीपी नगर निवासी अमृत पटेल स्वयं कोविड संक्रमित होने के बाद लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का महत्व बता रहे हैं। आज जिले में जारी कोविड टीकाकरण महाभियान के दौरान कोविड टीका लगवाने टैगोर उद्यान वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे अमृत पटेल ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान वे संक्रमण की चपेट में आ गए थे। संक्रमण के दौरान उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसके कारण उनका शरीर लकवा से ग्रसित हो गया। लकवा के कारण चलने और बात करने में परेशानी होने लगी। वे केंद्र की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे तो टीकाकरण केंद्र के द्वार पर आकर वैक्सीनेटर ने उन्हें टीका लगाया। आज टीका लगवाने के बाद अमृत पटेल ने बताया कि कोविड बहुत बड़ी महामारी है, इससे सबको बचने के लिए कोविड टीका जरूर लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण ही मैं लकवा से ग्रसित हो गया, मेरी जैसी स्थिति किसी की भी ना हो, इसलिए सभी लोग कोविड टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से बचाव के लिए टीके को ही एकमात्र साधन बताते हैं और अपने स्नेहीजनों की कोविड से सुरक्षा के लिए सभी को टीका लगवाने की सलाह दे रहे हैं। ये सेकंड लेयर में जो है स्ट्रोक आया और ये पैरालिसिस हो गया मेरे को, कोविड हुआ और इसके बाद पैरालिसिस हुआ। और ये सबको टीकाकरण करना चाहिए, भारत सरकार सबकी चिंता कर रही है, तो सबको जो है ये सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जल्दी जल्दी टीकाकरण करवा देना चाहिए ताकि सब स्वस्थ रहे। ये बहुत अच्छा है, महाअभियान चल रहा है, ये हमारे लिए सब जनता के लिए है, भारत सरकार चिंता कर रही है, चलो अच्छा है, सब लोगों में जागृति आए और सब लोग टीकाकरण लगा के स्वस्थ रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में महंगाई पर विरोध प्रदर्शन करने जन जागरण पदयात्रा में उमड़े युवा कांग्रेसी। युवा कांग्रेस ने शहर में विशाल जन जागरण पदयात्रा निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और शहर में लंबी पदयात्रा निकाली। युवाओं में उत्साह देखते बन रहा था। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाड़ी कोको व राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस एकता ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। महापौर राजकिशोर प्रसाद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी पदयात्रा में शामिल हुए। देश में बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में युवा कांग्रेस की मुरारता पेट्रोल पंप से निकाली पदयात्रा पावर हाउस रोड टीपी नगर होते हुए सीएसईबी चौक अप्पू गार्डन के पास आम सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान मुख्य रूप से जिला महामंत्री विकास सिंह, मोनू अवस्थी प्रदेश महासचिव, अजमन बाग प्रदेश उपाध्यक्ष, राजेश स्वामी प्रदेश सचिव प्रभारी कोरबा, आस मोहम्मद प्रदेश सह सचिव सह प्रभारी कार्यक्रम में शामिल हुए। पदयात्रा में सिलेंडर की शव यात्रा भी निकाली गई तो बाइक को ठेला में रखकर युवाओं ने महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा का स्वागत किया। आम सभा को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी ने कहा कि देश की जनता को महंगाई के आग में झोंक दिया गया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन जागरण पदयात्रा 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे देश में जारी है और पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर में भी
जन जागरण पद यात्रा महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में किया जा रहा है। आज उसी तारंभ में मेरा कोरबा जिला में आना हुआ और दीपका, कोरबा और कटघोरा तीनों जगह जन जागरण पद यात्रा में मैं शामिल हुआ। जिले में यूथ कांग्रेस की स्थिति आपको समझ आया होगा कि सभी जगह ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत सारी बदलाव संगठन में होते रहते हैं और यहाँ भी बहुत सारी बदलाव होने हैं, उस पर हम निर्णय ले रहे हैं और जल्द से जल्द बहुत अच्छे लोग पूरी कमेटी में आएंगे। मीडिया वो सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, यहाँ कान के छिद्र को नायब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर, हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378777। रेडमूड क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड एब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलीडे पैकेज, इंडिया एंड इंटरनेशनल वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनूप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011 95 8839 330 823 9827 9807 15। NXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा।
अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में, दर्रे जमनीपाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 7869222258 NXT is the new MPEG 4box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018 NXT is the new MPEG 4box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395 कोरबा में कैंपस चलो अभियान में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बोले कोई गुटबाजी नहीं NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है अगर किसी भी कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं आ रहा है तो यह उसका व्यक्तिगत मामला है अंबिकापुर कांग्रेस कार्यालय की घटना के संबंध में कहा कि हॉल बहुत छोटा था इस वजह से बाहर में कार्यक्रम रखा गया था पांडे कैंपस चलो अभियान में शामिल होने कोरबा पहुंचे कोसाबाड़ी में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है सभी जिलों के कॉलेजों में पहुंचकर छात्रों को NSUI से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही छात्रों को बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से आने वाले समय में गरीब छात्रों की पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी नए यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे कॉलेजों को भी निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा NSUI प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार छात्रवृत्ति को रोक रही है इसकी वजह से फीस भरने में समस्या आ रही है इसके लिए हम सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ेंगे उन्होंने कमला नेहरू कॉलेज और PG कॉलेज के छात्रों से चर्चा की साथ ही कॉलेज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया ये हम लोग पूरे प्रदेश भर में लगातार कैंपस चलो यात्रा के माध्यम से हर जिले में जा रहे हैं हम लोग छात्र छात्राओं से संपर्क कर रहे हैं उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनसे उनको छात्र संगठन NSUI से जुड़ने का काम कर रहे हैं लगातार 2 सालों से हमारी जो कनेक्टिविटी थी वो छात्र छात्राओं से कम हो गई थी उसके लिए हम लोग फिर से अब कैंपस चलो यात्रा अभियान के माध्यम से हम लोग छात्र छात्राओं से संपर्क कर रहे हैं और बहुत सारे छात्र छात्र हमारे संगठन से जुड़ भी रहे हैं आने वाले समय में जैसी रूपरेखा बनेगी जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व से निर्देश आएगा वैसा फिर हम लोग आने वाले समय में स्वच्छता अभियान के लिए पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज सभी बंद थे छात्र संघ चुनाव NSUI हमेशा से कराना चाहती थी लेकिन कोविड को देखते हुए एक महामारी को देखते हुए हम लोगों ने इस साल चुनाव नहीं कराने की मांग की थी आने वाले सत्र में हम लोग चुनाव करवाएंगे ये विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कोरबा ऊर्जा नगरी है और यहाँ के ऊर्जावान साथी उससे भी ज़्यादा ऊर्जा से ओतप्रोत है उनके स्वागत और उत्साह से मैं बहुत अभिभूत हूँ बहुत आभार है उनका मैं लगातार छात्र छात्राओं से संपर्क कर रहा हूँ और एक जो केंद्र से जो छात्रवृत्ति छात्रों की जो रुकी हुई है जो लगातार उनके द्वारा कम किया जा रहा है उसको लेकर छात्रों की एक मांग है उसको लेकर हम लोग यहाँ से सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे माननीय भूपेश बघेल जी की 2.5 साल की सरकार में 15,000 से ज़्यादा प्रोफेसरों की भर्ती लगातार शिक्षकों की भर्ती और लगातार सभी विभागों में भर्तियाँ हो रही हैं आने वाले समय में जहाँ कमियाँ हैं उसको भी सरकार देखते हुए
जो भी मांग की जाएगी उसको हम लोग सरकार के पास रखेंगे और आने वाले समय में वहाँ भी भर्ती स्टार्ट होगी। बिल्कुल हमारे पास इसकी शिकायत आई है और आने वाले समय में हम लोग जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा हम लोगों द्वारा जो भी मांग की जाती है उसको तत्काल रूप से पूरा किया जाता है, चाहे वो फीस विनियामक आयोग के गठन की बात हो। आपने देखा होगा सभी जगह पूरे देश भर में सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी एक ऐसे पूरे देश में इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा निजी संस्थाओं का सरकारीकरण किया जा रहा है, उसका एक उदाहरण चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज भी है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा ने किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा शहर का हाल जानने के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल खुद अकेले निकले सड़कों पर। ट्रांसपोर्ट नगर पावर हाउस रोड सोनालिया मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था का लिया जायजा। सोनालिया पुल के पास ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक जवान से ली जानकारी। ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शांकभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। छोटे रकबा के किसानों को उद्यानिकी का लाभ देने होगा हर संभव प्रयास। उद्यान विभाग के सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में विभागीय उपलब्धियों का इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करें। छोटे रकबा के किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले इसका प्रयास करें। टीम भावना, लगन और समन्वय से किए गए कार्य से न केवल शासन के लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी बल्कि गरीब किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह बात शांकभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित उद्यान विभाग के अधिकारियों के बीच विभाग के योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही। एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे पटेल ने कहा कि किसानों एवं हितग्राहियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जाए जिससे जिले के किसान सब्जी बाड़ी लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। शाकंभरी बोर्ड का गठन होने के बाद कोरबा के आपकी काले हीरे की नगरी में प्रथम आगमन है। पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग समीक्षा विभाग की जो बैठक है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। अजगर बहार के बदले लेमरू को नया तहसील बनाने की मांग ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की है। जन सुविधा और भौगोलिक दृष्टि से ग्राम पंचायत लेमरू को अजगर बहार के बदले तहसील बनाना उचित होगा। शासन ने अजगर बहार तहसील गठन के लिए दावा पत्ती मंगाई गई है। लेमरू सहित आसपास के ग्राम पंचायतों को इस पर आपत्ति है। लेमरू से अजगर बहार की दूरी 90 किलोमीटर है, इससे क्षेत्रवासियों को तहसील कार्यालय पहुंचने में असुविधा होगी। इसे ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत लेमरू को तहसील बनाया जाए। इस आशय की मांग को लेकर ग्राम पंचायत लेमरू सहित आसपास के ग्राम पंचायतों से ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक घंटे तक प्रदर्शन किया। संगठित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम पंचायत अरसेना, साखो, गढ़ुपरोड़ा, बड़गांव, नकिया, देवपहरी सहित लेमरू के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल थे। लेमरू को तहसील बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। ग्राम पंचायत देवपहरी के पंच हरिशंकर यादव ने बताया कि सतरेंगा प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने 6 माह पहले अजगर बहार को तहसील बनाने की घोषणा की थी। घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए शासन ने दावा पत्ती मांगी है। इसके तहत हमने अजगर बहार के बजाय लेमरू को तहसील बनाने की मांग की है। हम लोग तहसील ऑफिस के विरोध में आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस जो घोषणा किए हैं अजगर बहार बनाने के लिए, जो हम लोगों के लिए कोरबा के बराबर है, हमें किसी प्रकार का दूरी की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी प्रकार कोई फायदा उससे नहीं पहुंच रहा है, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके विरोध में आए थे कि वो लेमरू में बने जिससे ज़्यादा से लोगों को फायदा हो। और हमारा गांव लेमरू रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जिला से और अंबिकापुर सरगुजा जिला से और इधर नैन जिला पेंड्रा मरवाही बना हुआ है, यहाँ से मिलता है, लगा हुआ है। तो अगर तहसील बनाना ही है तो लेमरू बनाया जाए जिससे सर्वांगीण विकास होगा, अंत्योदय विकास होगा। और जो शहर से लगे हुए अजगर बहार में मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है शहर से, वहाँ बनाने से क्या फायदा होगा। लेमरू को तहसील बनाने से कम 70 से 80 गांवों को लाभ मिलेगा और करीब करीब 20 से 25 हज़ार लोगों को फायदा होगा। ये सब अभी कलेक्टर मैडम से आश्वासन मिला है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात पहुँचाऊँगी और मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं।
निश्चित रूप से हम लोग और आगे प्रदर्शन करेंगे और जब तक का हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हम आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमें जानकारी मिला कि अजगर बाहर को तहसील बनाया जा रहा है, तो हमने पूरे घाटी के लोग एक जगह मीटिंग किया लेमरू में और सबका निर्णय ये हुआ कि हम वो यदि अजगर बाहर में तहसील बने उसके वजह हमारा कोरबा ही ठीक है, यदि तहसील बनाना होगा तो लेमरू में ही तहसील बने, यदि लेमरू में अगर तहसील अगर नहीं बनेगा तो हम लोग इसे कड़ी से कड़ी हम मेहनत करके इसको करवाएंगे ही, चाहे हमें जितना भी हमें कठिनाई झेलना पड़े इसके लिए, ऐसा हम पूरे घाटी के लोग निर्णय लिए हैं। ग्राम स्तर लेमरू क्षेत्र के 9 पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच पंच आम जनता भी हमारे साथ हैं। हमारे जनता का कहना है कि अजगर बाहर में हमारे जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 15 अगस्त में, तो हमारे उधर 9 पंचायत के जनता आम जनता का कहना है अगर अजगर बाहर में तहसील है तो हमको लेमरू को 9 पंचायत को कोरबा में रहने दीजिए, नहीं तो हमारे जनता का कहना है कि अजगर बाहर में घोषणा को निरस्त करके हमारे लेमरू में उप तहसील घोषित किया जाए, ऐसे हमारा जनता का कहना है। और इसलिए हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपे आए हैं और मैडम से आकर हम बातचीत करके फिर यहाँ निकले हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878 0111 95 8339 330 823 9827 9807 15। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827 162247 9827 162131। रेडमून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रोड, क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलीडे पैकेज इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनूप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, यहाँ कान के छिद्र को नायब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिम्पल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर।
हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378777। NXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनी पाली जेलगांव, सीएसी बेस्ड पावर सिटी, पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544783888188844018। NXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के बालकोनगर टाउनशिप में भालू रात में चहलकदमी करते दिखाई दिए, इससे कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है। बालकोनगर टाउनशिप के चारों ओर घने जंगल हैं। जंगलों में वन्य प्राणियों की मौजूदगी है। ठंड बढ़ने के बाद वन्य प्राणी आबादी वाले इलाकों में भोजन की तलाश में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि टाउनशिप में अमरूद पेड़ सहित अन्य फलों की भरमार है, जिसे खाने के लिए भालू अक्सर टाउनशिप आते हैं। इसी तरह बीती रात एक भालू जंगल से टाउनशिप में घुस आया। वह टाउनशिप स्थित मकानों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया, उसके बाद जंगल की ओर लौट आया। भालुओं के विचरण से कॉलोनी वासियों में दहशत है। वहीं नाइट शिफ्ट में बालको प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन भालुओं ने टाउनशिप में रहने वाले लोगों को अभी तक किसी भी तरह की नुकसान नहीं की। ठंड बढ़ते ही खाने की तलाश में वन्य प्राणी रियासी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही कॉफी पॉइंट के समीप कुछ युवकों को रात्रि में एक तेंदुआ भी दिखा था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बालकोनगर थाना क्षेत्र के झगरहा मार्ग में सड़क हादसे में पिता पुत्र की हुई मौत। पिकअप ने मारी मोपेट सवार को टक्कर, उछलकर सड़क पर गिरा पिता और 5 साल का बच्चा। पिकअप की टक्कर से मोपेट सवार पिता और उसके 5 साल के बेटे की मौत हो गई। युवक किसी काम से बेटे को लेकर घर से निकला था, इसी दौरान सामने से पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पिता पुत्र दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद पिकअप चालक भाग निकला। सूचना पर पहुंची बालको नगर थाना के रजगमार चौकी पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक आमाडार निवासी लाभो अघरिया किसानी करता था। वह अपने 5 साल के बेटे को लेकर किसी काम से घर से निकला था।
अभी वह जगह रहा कोरकोमा रोड पर भूलसीडीह जंगल के पास पहुंचा ही था कि सामने से मूंगफली भरकर आ रहे पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पिता पुत्र सड़क पर जा गिरे। आशंका है कि सिर पर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पिकअप सहित चालक भाग निकला। बताया जा रहा है कि पिकअप कोरबा से मूंगफली भरकर धर्मजयगढ़ की ओर जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। दोनों के शव को अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस पिकअप चालक की तलाश कर रही है। सूचना मिली थी कि भूलसीडीह बैरियर के पास एक मोटरसाइकिल और पिकअप में एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर आने पर देखा कि एक व्यक्ति 35-40 उम्र का है और एक 5 साल का बालक है जो एक्सीडेंट में खत्म हो गया है। पिकअप गाड़ी मौके पर था जिसे कब्जे में लिया गया है, चौकी रवाना किया गया है। अभी मृतक का सपंजनामा करवाई मैंने आते रहे ना वो नूना वाला दारू की रिश्ती पता नहीं हमें बोला बचाया कोशिश करें जबरदस्ती हमें उसेगुन पे लक्ष्य देखी नहीं पीका प्लवंग ले जा रहा था पीका फर खत्म हो जा रहा थी सब बचाया कोशिश फिर लेकिन अब जबरदस्ती अपने लाइन के चक्का में डाल दी अब इसे डोमडिम डोमडिम चलाएल इसे लाइक में ओकर लड़का रह सक जी और सियान डोमडिम डोमडिम चलात रही अभी क्या करके काटे हमें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।